हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम वंदन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सभी जिला के सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही जिला के प्रधान और महासचिव भी इस मौके पर मौजूद रहे। बैठक में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने पंजाब मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की बैठक जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और वहां गठित कमेटी के साथ हुई, उसके सारे बिंदुओं के बारे में सभी को अवगत करवाया। पंजाब सरकार की तरफ से ये आश्वासन मिलने के बाद अगले 3 से 4 दिनों के भीतर इन सिफारिशों को ठीक कर दिया जाएगा। उसके बाद पंजाब की संयुक्त कार्यकारिणी मेडिकल ऑफिसर संघ ने फैसला लिया है कि वहां 4 दिन तक अब कोई हड़ताल नहीं होगी और केवल काले बिल्ले लगाकर और सुबह गेट मीटिंग की जाएगी। उसी की तर्ज पर अब हिमाचल में भी सभी एक मत थे और जैसे ही हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी डॉक्टरों से आह्वान किया है और आश्वासन दिया है कि उनकी सिफारिशों को पूरी नज़र रखी जाएगी और डॉक्टरों को धोखा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संघ ने भी पंजाब मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के साथ 4 दिन तक हड़ताल को बंद करने और केवल काले बिल्ले लगाकर सुचारू काम करने और सुबह इकट्ठे होकर गेट मीटिंग तथा प्रेस ब्रीफिंग करने का ही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल ऑफिसर संघ के सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश डेंटल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश वेटनरी ऑफिसर एसोसिएशन का तहे दिल से आभार भी प्रकट किया है, जिन्होंने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो एकता का परिचय इस समय संघ को मिल रहा है, उसके वे आभारी हैं और आशा करते हैं कि ये आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आज हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की जो वर्चुअल बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की हुई है, उसमें जो फैसला लिया गया है वो वही लिया गया है जैसे कि पंजाब सरकार के साथ पंजाब मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की जो मीटिंग है वो आज काफ़ी हद तक जो है वो पॉजिटिव रही, सफल रही। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि 4 दिन के भीतर जो है वो ये एनपीए का जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सिफारिशें हैं, उनको ठीक कर दिया जाएगा। तो इसलिए पंजाब मेडिकल जो ऑफिसर की जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने फैसला किया कि अगले 4 दिन जो है वो काले बिल्ले लगा के सुचारू रूप से काम करेंगे और वहाँ कोई हड़ताल आगे नहीं करेंगे 4 दिन तक। तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ ने भी आज एक मत से यहाँ पे फैसला लिया है कि अगले 4 दिन तक जो है जैसे पंजाब मेडिकल अफसर एसोसिएशन कर रही है, उसी तर्ज पर हम भी 4 दिन जो है वो काले बिल्ले लगा के और साथ में गेट मीटिंग्स करके जो है अपना विरोध प्रदर्शन जताते रहेंगे। लेकिन अगर 4 दिन के बाद भी जो है हमारी इन एनपीए की सिफारिशों को, अलाउंसेस को ठीक नहीं किया गया, तो जैसे पंजाब मेडिकल अफसर एसोसिएशन स्ट्राइक्स अगर करेगी, तो हिमाचल प्रदेश की मेडिकल अफसर एसोसिएशन और दूसरी हमारी वेटनरी एसोसिएशन और डेंटल एसोसिएशन को भी स्ट्राइक करने पर मजबूर होना पड़ेगा।